आपका स्वागत है फ्रेंड्स। मैंने इस थाल पोज का पहला भाग पिछले वीडियो में मैंने बनाई थी, इतना बना चुके हैं हम लोग। आज हम इसके बाद वाले भाग को पूरा करेंगे। तो देखिए, यहाँ तक मैंने उस वीडियो में बनाई थी, आज मैं यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, एक लाइन यहाँ मैं बता चुकी हूँ, इसका दूसरा लाइन अब हम आज बनाएंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ एक पफ बनाएंगे, जिस तरीके से मैंने पिछले पार्ट बनाई, पिछले वीडियो में बनाई हूँ, सेम उसी तरीके से बनेगा। ये देखिए, एक हम ही पफ के ऊपर से तीन टाइम फंदे निकाले हैं, अब हम इस पफ के नीचे वाले चैन से निकालेंगे तीन टाइम, एक दो तीन, और अब हम इस आगे वाले चैन से तीन टाइम फंदे निकालेंगे, एक दो तीन। ये देखिए, और अब हम इन सभी को एक साथ नीचे इस तरह से गिरा देंगे। फिर अब हम यहाँ से एक पफ बनाएंगे, तीन टाइम फंदे निकालेंगे, इसके बाद हम इस वाले चैन से इसके बाद यहाँ इस चैन से दो तीन, फिर यहाँ से एक दो तीन। इसी तरीके से हम दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे पूरा यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है, अब हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे और यहाँ एक पॉप बना लेंगे। यहाँ पे ग्रीन कलर से एक पॉप हम इससे बनाएंगे, फिर यहाँ से हम तीन टाइम फंदे निकालेंगे, एक दो तीन, फिर तीन टाइम इस वाले चैन से निकालेंगे, एक दो तीन। देखिए, अब हम सभी फंदों को एक साथ उतार लेंगे।
फिर एक पफ और बनाएंगे। तीन, और इसे छोड़ देंगे। फिर ये वाले फूल लेंगे। अब हम इससे देखिए यहाँ पे तीन टाइम फंदे निकालेंगे, दो तीन, फिर एक यहाँ से तीन टाइम फंदे निकालेंगे और फिर अब हम इन सबको एक साथ से हम तीन टाइम फंदे निकालेंगे, दो तीन, फिर यहाँ से इस वाले चैन से एक दो तीन, और फिर इन सभी को हम देखिए सभी को हम एक जगह इस वाले से बनाएंगे। यहाँ से भी तीन टाइम, दो तीन, फिर तीन टाइम यहाँ से, फिर अब हम इन सभी को एक साथ निकाल लेंगे। फिर एक टाइम यहाँ, तीन टाइम यहाँ से निकालेंगे और फिर अब हम इस वाले उन से निकालेंगे, बनाएंगे। देखिए यहाँ से एक दो तीन, फिर तीन टाइम यहाँ से एक दो तीन, इस तरह इस लाइन में हमारा ये वाला तीन डिजाइन बनेगा। देखिए पहले लाइन में एक, फिर दो, फिर तीन। अब ऊपर और भी बड़ा बनाना चाहें तो अगला लाइन में हमारा एक डिजाइन चार बनेगा। अब हम फिर यहाँ से तीन टाइम इस चैन से, इस पर हम इस वाले धागे से बनाएंगे। दो तीन, फिर यहाँ एक टाइम यहाँ से
सबको एक साथ उतार लेंगे। फिर तीन टाइम हम इसी धागे से निकालेंगे, एक दो तीन, और अब हम इस वाले धागे से निकालेंगे, एक दो तीन। फिर यहाँ पे हम दो चेन बनाएंगे और अब हम यहाँ एक पॉप बनाएंगे, एक दो तीन। इस तरह हम फिर इस वाले धागे को छोड़ देंगे और फिर इस धागे से अब हम देखिए यहाँ से धागे निकालेंगे फंदे, एक दो तीन टाइम, फिर यहाँ से तीन टाइम, फिर एक साथ सभी को हम नीचे उतार लेंगे। इसी तरीके से हम पूरा लाइन बना लेंगे। अब एक सिर्फ पीला वाला धागे से बनेगा, एक यहाँ से निकालेंगे फंदे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इस तरह से। फिर एक हमारा इस तरह का फूल बन जाएगा। फिर इसके बाद हम ये वाला लाइन हम पूरा बना लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हम देखिए यहाँ पे दो चैन लेके इसको जोड़ देंगे। और अब हम यहाँ पे एक पॉप बनाएंगे। अब हम इस पॉप के ऊपर में एक पॉप बनाएंगे। अब हम यहाँ से तीन फंदे उठाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे यहाँ से। अब एक साथ हम इन सबको चेन बनाएंगे। फिर यहाँ से हम तीन टाइम फंदे निकालेंगे, दो तीन, फिर यहाँ से
करती हूँ। और फिर अब हम इन सब को एक साथ फिर अब हम यहाँ से तीन फंदे निकालेंगे, अब हम इसी तरीके से पूरा लाइन पूरा कर लेंगे। देखिए एक फंदे यहाँ से निकालेंगे इस चेन से, फिर दूसरा टाइम इस चेन से, फिर तीसरा टाइम इस चेन से, और फिर तीन जगह से तीन तीन टाइम फंदे निकालेंगे और फिर सभी फंदों को हम एक साथ गिरा के इस तरह के फ्लावर बना लेंगे। इसी तरीके से हम पूरा लाइन पूरा कर लेंगे। दो लाइन बना लेंगे हम इसी तरीके से, एक लाइन ही और एक लाइन और बना के फिर मैं यहाँ पर फूल बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने दो लाइन बना ली है। अब हम यहाँ पे इसको जोड़ देंगे। देखिए, और अब हम इसमें फूल बनाना सीखेंगे। अगर आप और भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो देखिए, ये हरे वाले पत्ती एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, चार जगह बनेगा। अगला लाइन में हमारा चार फ्लावर बनेगा। अब हम इसमें फूल बनाना सीखेंगे। तो ये देखिए, इसके लिए हम देखिए इस वाले जहाँ हरी पत्ती हरी वाली पफ बनाए हैं वहाँ से देखिए बीच में हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ बीच में निकालेंगे और यहाँ से हम इस धागे को फंसाएंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसे, और यहाँ हम एक चेन बनाएंगे और अब हम इसमें देखिए पफ बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार। देखिए चार टाइम हम निकालेंगे। फिर अब हम इसमें दो चेन बनाएंगे और यहाँ इस तरह से जोड़ देंगे। फिर हम दो चेन बनाएंगे और फिर सेम चेन में हम फिर से चार टाइम धागे निकालेंगे। एक, दो, तीन, चार, और फिर से हम इन सभी को एक साथ इस तरह उतार देंगे। फिर से हम एक, दो, दो चेन बनाएंगे और फिर हम नीचे में यहाँ पे देखिए फिर से दो एक चेन बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे, फिर यहाँ हम उसी तरीके से सेम चेन में हम चार टाइम फंदे निकालेंगे। तीन हो गया, चार, फिर से दो चेन बनाएंगे और फिर हम यहाँ नीचे इसको जोड़ देंगे। और अब हम इस धागे को कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से, और इन एक्स्ट्रा धागे को हम अंदर खींच लेंगे। ये देखिए हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम और सभी हरे पत्ती के ऊपर इसी तरीके का फ्लावर बना लेंगे। ये देखिए एक और मैं दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए हरे पत्ती के बीच में हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से।
ये देखिए बीच में से हम निकालेंगे, यहाँ दो चैन बनाएंगे और यहाँ हम फिर चार टाइम, एक दो तीन चार, चार टाइम फंदे निकालेंगे और इन सब को हम एक साथ गिरा लेंगे। फिर दो चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ इसको जोड़ देंगे, फिर से एक चैन बनाएंगे और फिर हम चार टाइम धागे निकालेंगे, एक दो तीन चार, और फिर से हम इन सभी को एक साथ देखिए निकाल के पॉप बना लेंगे और फिर एक दो, और फिर हम नीचे यहाँ फिर से एक चैन बनाएंगे, फिर हम इसी जगह देखिए सेम चैन में हम चार टाइम फिर फंदे निकालेंगे, दो तीन चार, फिर से दो चैन बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे नीचे इस तरह जोड़ देंगे और फिर हम इस धागे को कट कर देंगे। इसी तरीके से हर एक जो ये हरे वाले पत्ती हैं उसके ऊपर बीच में हम एक एक फ्लावर बना लेंगे। देखिए यहाँ बनेगा इस जगह पे, और इस धागे को हम अंदर ले लेंगे, इस तरीके से हम सारे हरे पत्ते में हम इस तरीके का फूल बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने सारे फ्लावर बना लिए हैं। देखिए हर एक हरे पत्ती के ऊपर में हमने लाल लाल फ्लावर बना लिए हैं। अब हम इसमें झालर लगाना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ से हम किनारे में इस तरह से ऊन को जोड़ेंगे, देखिए, और इसे हम इतना लंबा लेंगे, देखिए ऐसे, और इस वाले धागे को पकड़ के हम देखिए इस तरह से बना लेंगे और फिर से हम यहाँ इतना लंबा लेंगे इसके बराबर, और देखिए इस फंदे वाले धागे को हम पकड़ेंगे ऐसे, और इसे क्रोशिए को इसके अंदर डालेंगे और फिर हम इस फंदे वाले धागे को अंदर क्रोशिए को डालेंगे और फंदा लेके हम इसे इस तरह से बना लेंगे। अब हम देखिए एक चैन छोड़ के दूसरे चैन में हम इसे इस तरह से डाल लेंगे, इसको जोड़ देंगे, ये देखिए इस तरह का चैन हमारा बन जाएगा। फिर से देखिए एक टाइम, देखिए इसे हम इतना लंबा करेंगे फंदे को, और इस फंदे को इस उंगली से ऐसे पकड़ेंगे और इसे अंदर से खींच लेंगे, फिर यहाँ हम क्रोशिए को डालेंगे, फिर एक टाइम यहाँ से फंदे लेंगे, ऐसे हमारे दो फंदे हो गए। अब हम इन दोनों को एक साथ गिरा देंगे, फिर एक चैन बना लेंगे और फिर से हम एक लंबा देखिए ऐसे ही फंदे करेंगे, लंबा फंदे लेंगे, फिर इस वाले धागे को पकड़ेंगे और यहाँ से अंदर से निकाल लेंगे, फिर यहाँ क्रोशिया डालेंगे, फिर एक फंदा यहाँ से निकालेंगे, ये देखिए हमारा दो फंदे हो गए। अब हम इन दोनों को एक साथ गिरा लेंगे और फिर हम एक चैन छोड़ के दूसरा चैन में इसे बांध देंगे, ये देखिए इसी तरीके से हम चारों तरफ बना लेंगे। देखिए फंदे को लंबा करेंगे, फिर हम इस फंदे को लंबा करेंगे, फिर क्रोशिए पर ऊन डालेंगे, फिर इसको यहाँ ऐसे पकड़ेंगे, फिर क्रोशिए के अंदर से इसे निकालेंगे, फिर यहाँ देखिए इस धागे के अंदर क्रोशिया डालेंगे, फिर एक फंदा और लेंगे, ये देखिए यहाँ हमारा क्रोशिए पर दो फंदे हो गए। अब हम इन दोनों को एक साथ निकाल लेंगे, देखिए
फिर अब हम एक और फंदा इसी तरह से लंबा लेंगे, फिर इस फंदे को हम यहाँ पकड़ेंगे, ये देखिए ऐसे दोनों को एक साथ निकाल लेंगे। और अब हम एक चैन छोड़ के, ये वाला चैन छोड़ के यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा झालर बनेगा। अब मैं इसी तरीके से चारों तरफ बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमने चारों तरफ ये झालर बना ली है। अब हम इसको लास्ट वाला झालर को हम यहाँ पे जोड़ देंगे जहाँ से शुरू किए थे। ये देखिए ऐसे। और अब हम इस धागे को कट कर देंगे। और अब देखिए यहाँ पे हम देखिए यहाँ बीच में हम यहाँ बीच में क्रोशिया डालेंगे। और यहाँ अब हम ये देखिए पॉप बनाएंगे। ये देखिए यहाँ हम 3 टाइम फंदे निकालेंगे और इसे फिर यहाँ हम 1 टाइम और यहीं से फंदे निकालेंगे ये पॉप के ऊपर से। 1, 2, 3 और फिर एक हम यहाँ से नीचे, देखिए जहाँ से हम पहला पॉप बनाए हैं वहाँ से 1, 2, 3। देखिए 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पे नीचे में हम जोड़ देंगे। और इसे कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा झालर में लटकन बन जाएगा। ये देखिए, और इस वाले हम एक्स्ट्रा ऊन को इसके अंदर ले लेंगे। ऐसे। और दूसरा चैन में हम देखिए इस हरे रंग से बनाएंगे। सेम तरीके से हम यहाँ भी पॉप बनाएंगे। 2, 3 तीन टाइम निकालेंगे। और एक पॉप इसके ऊपर बनाएंगे। 1, 2, 3 और फिर से हम 3 टाइम यहाँ से निकालेंगे। 1, 2, 3 और इन सभी को हम एक साथ फिर 3 चैन बनाएंगे। और सबसे नीचे हम यहाँ इसमें जोड़ देंगे, इसे भी कट कर देंगे। देखिए
इस तरीके से हमारा दो लटकन बन गया। ये देखिए, और अब हम एक लाल रंग के ऊन से बना लेंगे। यहाँ भी हम तीन टाइम फंदे निकालेंगे। फिर इसके ऊपर और फंदे निकालेंगे तीन टाइम, दो तीन, और फिर तीन टाइम हम नीचे से फंदे निकालेंगे, एक दो तीन, और इन सभी फंदों को हम एक साथ नीचे गिरा देंगे। फिर तीन चैन बनाएंगे और यहाँ नीचे में हम जोड़ देंगे। फिर यहाँ हम धागे को कट कर देंगे। इसी तरीके से हम चारों तरफ झालर में लटकन बना लेंगे। देखिए, ऐसे तीन कलर में हमने थालपोस बनाए हैं, तो तीन कलर में एक एक करके फिर यहाँ पीला बनाएंगे, फिर यहाँ हरा बनाएंगे, फिर यहाँ लाल बनाएंगे। इसी तरीके से चारों तरफ बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये थालपोस पूरी तरह से तैयार कर ली है। इसमें झालर भी लगा दिया है, ये वाला फ्लावर भी बना लिए हैं, सारे फ्लावर मैंने बना ली हैं और झालर भी लगा ली है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।